चिल्ड्रेन, टुडे आई एम टीचिंग यू चैप्टर 5 इन ज्योग्राफी. द नेम इज इंडस्ट्री. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चेंज द रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू. तो जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, वो रॉ मटेरियल को ज़्यादा वैल्यू में चेंज कर देती है. जिस तरीके से जो पल्प होता है, इट इज़ चेंज इनटू पेपर एंड पेपर इज़ चेंज इनटू अ नोटबुक. तो जो नोटबुक होगी उसकी वैल्यू पेपर से ज़्यादा होगी. Now, industry refers to economic activity that is concerned with the production of goods, extraction of minerals or the provision of services. तो industry कोई भी activity जिसमें goods को produce किया जाता है, minerals को extract किया जाता है, services provide की जाती है, that is called industry. Now we move to next paragraph. Definition of industry. Industries can be classified on the basis of raw materials as agro-based, mineral-based, marine-based and forest-based industries. तो agro-based industries वो होती हैं जो अपना raw material animal or plant से डिराइव करते हैं. इसी तरीके से मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो अपना रॉ मटेरियल ओर्स या जो मिनरल्स होते हैं उनसे डिराइव करती हैं. इसी तरीके से जो मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो अपना रॉ मटेरियल सी प्रोडक्ट्स से डिराइव करते हैं. इसी तरह जो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होती हैं वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं. Now we move to next paragraph. The basis of ownership, the industries can be classified as private sector, public sector, joint sector and cooperative sector. Private sector industries वो होती हैं जो group of people या private individuals के through own होती हैं और वो उसको control भी करते हैं. Public sector industries वो होती हैं जिनको government own करता है और operate करता है. In the same way, joint sector industries वो होती हैं जिन्हें both private individuals and गवर्नमेंट जिनको ओन और ऑपरेट करते हैं. इसी तरह कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जिनको प्रोड्यूसर्स और सप्लायर, जो रॉ मटेरियल के प्रोड्यूसर्स या सप्लायर होते हैं, वो इसको ओन भी करते हैं, ऑपरेट भी करते हैं. नाउ वी मूव टू इंडस्ट्रियल सिस्टम. नाउ एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. इंडस्ट्रियल सिस्टम में तीनों चीज़ होती हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट. इसमें इनपुट्स होती हैं रॉ मटेरियल, लेबर, ट्रांसपोर्ट, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर. अब प्रोसेस में वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स में चेंज करते हैं. तो जो आउटपुट होता है वो होता है फिनिश प्रोडक्ट. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो इनपुट होते हैं वो होते हैं कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. इसलिए जो प्रोसेस इसमें आते हैं वो होते हैं स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, और जो आउटपुट होता है वो शर्ट. सो नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. मेजर इंडस्ट्रीज. द वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्रीज आर आयरन स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री. तो वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो हैं आयरन स्टील, टेक्सटाइल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री. तो इसमें आयरन स्टील और टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे पुरानी है, और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो अभी नई इंडस्ट्रीज़ हैं. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. आयरन स्टील इंडस्ट्री लाइक अदर इंडस्ट्रीज, आयरन स्टील इंडस्ट्री टू कंप्राइज वेरियस इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट्स. तो दूसरी इंडस्ट्रीज़ की तरह आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ में भी इनपुट्स, प्रोसेस और आउटपुट्स होते हैं. तो जो इसमें इनपुट्स आते हैं वो उसमें आते हैं आयरन और कोल, लाइमस्टोन, लेबर और इंफ्रास्ट्रक्चर. और जो प्रोसेस होता है इसमें आयरन और को स्टील में कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है. तो इसको फिर रॉ मटेरियल को फर्नेस में इसको मेल्ट किया जाता है. सो जो आउटपुट होता है इसका, दैट इज़ कॉल्ड स्टील. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. स्टील इज़ टफ एंड कैन बी इजिली बी शेप्ड, कट और मेड इनटू वायर. तो स्टील इतना स्ट्रांग होता है कि उसको कोई भी शेप दिया जा सकता है. नाउ स्टील इज़ ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री. तो ये यू कैन कॉल इट अ बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, क्योंकि ये अब हर जगह स्टील का यूज़ होता है. शिप्स भी स्टील की बनी होती है, ट्रेन्स में भी उसका यूज़ होता है, ट्रक्स में भी, ऑटोज में भी, सारे जगह स्टील का यूज़ होता है. जो सेफ्टी पिन एंड नीडल्स होती हैं वो भी स्टील की बनी होती हैं. तो ऑयल जो हम निकालते हैं वो भी उस जो मशीन से निकालते हैं, जिससे वो भी स्टील की बनी होती है. पाइपलाइंस भी जिससे ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है वो स्टील की होती है. तो माइन से जो मिनरल्स निकालते हैं वो भी स्टील इक्विपमेंट से निकालते हैं. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. बिफोर 1947 देयर वाज ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री. 1947 से पहले यहाँ इंडिया में सिर्फ एक आयरन स्टील प्लांट था, अब वो भी प्राइवेटली ओन्ड था. लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे बहुत सारे आयरन स्टील प्लांट इस्टेब्लिश किए. तो जो टिस्को जो प्राइवेटली ओन्ड प्लांट था उसको 1907 में साक्षी में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन बाद में इसका नाम जमशेदपुर रख दिया गया था. नाउ साक्षी वॉज चोजन टू सेट अप प्लांट फॉर सेवरल रीजन. तो यहाँ पे स्टील प्लांट इसलिए लगाया गया क्योंकि ये
रेलवे स्टेशन के नज़दीक था। इसके अलावा ये जहाँ पे रॉ मटेरियल मिलता था जैसे आयरन और कोल, मैगनीज डिपोज मिलते थे, उसके भी नज़दीक था। इसके अलावा यहाँ पे ये मार्केट के भी क्लोज था, जैसे कोलकाता। इन जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रियल प्लांट्स वर सेटअप। तो जमशेदपुर में टिस्को के अलावा दूसरे इंडस्ट्रियल प्लांट्स लगाए गए जो केमिकल्स, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, मशीनरी, केबल एंड वायर्स प्रोड्यूस करते थे। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट। टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे पुरानी है वर्ल्ड में। 18 सेंचुरी तक जो कॉटन टेक्सटाइल जो कपड़े होते थे वो हाथ से बने जाते थे। 18 सेंचुरी के बाद पावर लूम से बनते थे। जो फर्स्ट कंट्री थी जिसने टेक्सटाइल बनाने शुरू किए थे वो तो ब्रिटेन, इसके बाद दूसरी कंट्रीज़ में इन्हें बनाना शुरू किए। जो इंडिया में जो कॉटन टेक्सटाइल्स बनते थे उनकी जो क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि दे वर हैंड वोवन एंड हैंड स्पन। तो ये बहुत पॉपुलर थे ऑल ओवर वर्ल्ड में। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, टाइम कंज्यूमिंग थे। इस वजह से ये जो मशीन से जो ब्रिटेन में जो क्लोथ्स बनते थे उनसे वो कम्पीट नहीं कर पाए, बिकॉज दे वर चीप एंड दे वर ऑल्सो गुड क्वालिटी। तो जो इंडिया में सबसे पहली जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनी दैट वॉज इन मुंबई इन 1854। तो यहाँ पे जो कंडीशंस थे जो फेवरेबल थे इस इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने में वो थे वो मॉइस्ट क्लाइमेट। इसके अलावा पोर्ट थे यहाँ पे जिससे मशीन्स इंपोर्ट की जाती थी। इसके अलावा रॉ मटेरियल अवेलेबल था यहाँ पे और लेबर भी अवेलेबल था। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। अहमदाबाद इज़ लोकेटेड इन गुजरात ऑन बैंक्स ऑफ साबरमती रिवर। तो जो सबसे पहली मिल लगाई गई थी 1859 में लगाई गई थी। तो मुंबई के बाद सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में थी। तो यहाँ पे लगाने का इसका रीज़न ये था क्योंकि यहाँ पे कई फेवरेबल फैक्टर्स थे इसको लगाने के लिए। सबसे पहले इट वाज क्लोज टू कॉटन ग्रोइंग एरिया। दूसरा यहाँ पे क्लाइमेट आइडियल था, दैट वाज गुड फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। यहाँ का जो लैंड था वो फ्लैट था। इसके अलावा जो यहाँ की जो पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी तो यहाँ पे फिर लेबर भी फैक्ट्री में काम करने को मिल जाते थे। सो दिस एंड द चैप्टर। थैंक यू।